ये साउंड आ रहा है तुमको? ये साउंड मेटल का, मेटल से टकराने का साउंड है। मैं यही देख रहा 2 दिन से कि यार मैं बार बार रख रहा हूँ तो ये साउंड क्यों आ रहा है मुझे, जबकि इस पे रबर पैड तो लगे हुए हैं ताकि साउंड ना आए ऐसा। फिर मुझे पता चला कि जो इसका ये कैमरा है ये उठा हुआ है थोड़ा सा, हैं? और जब मैं ऐसे रखता हूँ तो ये कैमरा जो होता है, ये कैमरा का बम्पर जो उठा हुआ है ये इस मेटल से टकराता है और ये ऐसा आवाज़ करता है। अब ये वैसे कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, पर मेरे को लग रहा है कि अगर मैं इस तरह करूँगा, जब मेटल से मेटल टकराएगा तो दोनों में से एक जगह तो स्क्रैच आएगा, और मुझे क्यों लग रहा है कि इस पे ना जाए कहीं स्क्रैच। पर कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी एक जुगाड़ है यार। क्या? ओ भाई ये देखो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मेरे पास इसका भी जुगाड़ है। कहाँ गया वो आइटम? वो आइटम मेरे पास एक था, इसी में कहीं रखा। ये वो टेप, सब तरह की टेप है भाई मेरे पास, हर तरह की चीज है, हर चीज में संभाल के रखता हूँ। ये टेप मैं अपनी दोस्त की दुकान से लाया था, जहाँ पे मैं वो अपनी टेबल ठीक कराने गया था, उसके पास थी ये टेप। उस समय जब मैंने ली थी तभी मेरा दिमाग चल गया था कि मेरे कुछ ना कुछ काम तो आएगी ये, और आज आज वो दिन है जब ये मेरे काम आएगी। जैसे ये रबर कप्स लगे हुए ना यहाँ पे, जो साउंड नहीं आने देते, स्क्रैच नहीं आने देते, वैसा ही काम ये करता है। बस तुम चाहो जिस शेप में काट लो और चिपका दो। अब टाइम आ गया इसको टेस्ट करने का। अब वो मेटल वाली आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अब भले ये काम करे ना करे, पर मेरी आत्मा को संतुष्टि रहेगी कि भाई मैंने तो कुछ किया था यार, मैंने तो अपना जुगाड़ लगाया था। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ निंजा लिया व्लॉग्स। अपना घर बिल्कुल बेस्ट है। पहले यार, पहले तो क्या था, पहले ये था कि पहले एक टाइम पे सिर्फ या तो कबूतर अंदर हो सकता था या उसकी वाइफ कबूतरी अंदर हो सकती थी, पर अब जब से 2 BHK बना दिया है इसको, दोनों एक साथ रहते हैं अंदर, दोनों आराम से अपने बच्चों को पाल रहे हैं। देखा, आज तो गाइस हमारे घर पे बन रहे हैं खींचे पापड़ और केरी की सब्जी, क्योंकि कल है शीतलाष्टमी और कल पूरे दिन खाना नहीं बनेगा हमारे यहाँ। तो मैं खा सका पा रही इन्हें? अरे यार पचकुटा की सब्जी मम्मी कोई नहीं खा रहा यार। आपने तो केरी की सब्जी बना दी, जो खा लिया मैं। और मुझे आज काम क्या करना था, जिसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, कि मुझे ये जो है ये यहाँ पे फिट करना है कैसे करके। ये दिख रहा है, ये एक वो होल्डर है, मोबाइल होल्डर, उसको मैं यहाँ फिट करूँगा, ताकि जो मेरे पास ये मोबाइल है, मोबाइल जो है यहाँ पे रहे इस तरह, और मैं इसको आराम से बैठे बैठे देख सकूँ। अब यहाँ पे ये क्यों लगा रहा हूँ मैं, ये मैं तुम्हें आगे समझाऊँगा, अभी एक साथ बता दूंगा तो तुम लोड नहीं ले पाओगे, ठीक है? फिलहाल अपन को कुछ ऐसा करना है कि ये यहाँ पे ऐसे स्टिक हो जाए। अब ड्रिल तो मैं कर नहीं सकता, दिखती सी बात है, अगर ड्रिल करूँगा तो बाकी तो तुम्हें पता ही है क्या होगा। और फैब्रिक क्यों काम करेगी क्या इसके लिए? एक अगर छोटी सी कील मैं यहाँ पे लगा दूँ, कस दूँगा, वो शायद काम कर जाए। लेट्स ट्राई। इतनी सी कील है ये, अगर मैं इसमें छेद भी कर दूँगा तो कील ज़्यादा अंदर नहीं जाएगी। डिस्प्ले तो शायद नहीं जानी चाहिए यार, एक छोटा सा छेद कितना ही खराब कर सकता है भाई। ये देखो, काम तो अपना चल जाएगा। ये देखो मैंने करा क्या है यहाँ पे, देखो कील मेरे पास सबसे छोटी यही वाली थी, ठीक है? ये कील नहीं है वैसे तो, ये वो पेच है, सबसे छोटा पेच यही था मेरे पास। ये भी सबसे छोटा इतना था कि ये यहाँ तक जाता, अगर मैं इसको पूरा कसता ना तो ये यहाँ तक जाता। तो मैंने क्या करा, एक बोल्ट लिया वो लगा दिया, ताकि क्या था, थोड़ा सा पार्ट ऊपर ही रहे और अपने पास स्टेबल मिल जाए, ये पूरा मजबूत हो गया अब, ठीक है? तो अब अपना मॉनिटर भी सही चल रहा है, अपना हैंडल भी लग गया। कहाँ गया इसका वो आधा हिस्सा?
अब तुम लोग तो ये सोच रहे हो कि यार निंजा तूने वहाँ पे क्यों कर दिया है, छेद हैं बेफालतू डिस्प्ले में छेद कर दिया, इससे अच्छा तो फ़ोन तो नीचे पड़ा रहता, सेम थी, फ़ोन का स्टैंड भी आता है। पर रुको भाई, हर चीज़ का एक कारण होता है, पर उससे पहले मैं तुमको एक चीज़ अनबॉक्स करके दिखाऊंगा जो आज ही मैंने ऑर्डर, और आज ऑर्डर नहीं की थी सॉरी, कल ऑर्डर करी थी, आज डिलीवर हुई है। वो है ये सीसीटीवी कैमरा, सीसी। अब वैसे तो हमारे गांव में सिक्योरिटी की ज़रूरत है नहीं क्या, बिल्कुल सब सेफ है भाई। पता नहीं गांव में लास्ट चोरी कब हुई थी, जब मैं 7-8 साल का था तब दो चोर आए थे, जब हमारे यहाँ घर में, मतलब यहाँ हमारे यहाँ तो नहीं हुई थी, पड़ोस में हुई थी सामने। उस समय क्या थी, इतनी ऊँची ऊँची दीवारें नहीं होती थी, इतनी ऐसे घर भी नहीं थे, बड़े बड़े छोटे छोटे घर थे। उस समय लास्ट चोरी हुई थी, वो भी दिन दहाड़े हुई थी, रात को तो चोरी हो ही नहीं सकती हमारे यहाँ, क्योंकि रात को तो सब बाहर ही सोते हैं। दिन में चोरी हुई थी क्योंकि दिन में सब अंदर सो रहे थे और रात को आए थे दो चोर, और उस वाले जो हमारे बगल में घर है उसके ऊपर ओम जी के बगल में घर है वहाँ चढ़ रहे थे, वही लास्ट मुझे इंसिडेंट याद है। उसके बाद आज तक चोरी नहीं हुई एक बार भी, पर फिर भी मैंने सीसीटीवी मंगा लिया। पता नहीं क्यों मंगाया, 1200 रुपये का मिल रहा था सीसीटीवी 1200 रुपये का मिल रहा था, ऑफर लगा के मेरे को ये 800 रुपये का पड़ा, ठीक है मैंने कहा मंगा लेता हूँ यार। फिर मेरे को दिमाग आया कि यार मैं अगर सीसीटीवी मंगा लूँगा तो मैं कुछ कर सकता हूँ, लगा के एक मज़ेदार काम कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने मंगा लिया बस जोश जोश में कि एक सीसीटीवी होना चाहिए घर के बाहर, ताकि मुझे भी दिखता रहे कि घर के बाहर बाहर कौन जा रहा है, मैं तो दिन भर निकलता ही नहीं, तो कम से कम सीसीटीवी रहेगा तो पता चल जाएगा अपने को। सिंपल कैमरा है सीसीटीवी, उसने कहा था बहुत तगड़ा है। सबसे मस्त चीज़ क्या है, ये तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो फ़ोन से, और इसमें पता नहीं क्या क्या है भाई, बेफालतू का दिमाग नहीं लगाएंगे, पर जो चीज़ है अपने को अभी करनी है। और क्या दिया है इसके अंदर, ये तो है कैमरा, इसको लगाना कैसे है, अच्छा बस इसको फिट कर दिया। अच्छा अच्छा, इसको सिर्फ दीवार पे तुम माउंट कर दो और ये कैमरे को इस तरह लगा दो डायरेक्ट। भाई ऐसे तो इसको कोई भी खोल के ले जाएगा रात को, इसको थोड़ा ऊंची जगह पे माउंट करना पड़ेगा। क्या क्या दिया है इसको, टाइप सी टू यूएसबी केबल, एक माउंटिंग, दो माउंटिंग स्क्रू और एक अडेप्टर। अच्छा वो अडेप्टर दिया, अडेप्टर कहाँ से जुगाड़ था। चलो थोड़ा इंजीनियरिंग खेलते अब। ठीक है, सारे रिक्वायर्ड सामान ले लिए मैंने, ड्रिल ले ली, हथौड़ी ले ली, स्क्रू ड्राइवर ले लिया, और हाँ कैमरा भी ले लिया। गाइस कैमरा तो मैंने लगा दिया है, और उसकी वायरिंग जो है मैंने अपनी जो ये फोर सीलिंग की लाइट है इसी के अंदर कर दी। अब तीन लाइटें मेरे को उसके लिए बंद करनी पड़ी, क्योंकि इतना लंबा वायर था नहीं कि मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर पाऊँ, तो मैंने वहीं पे तार काटा और उसी के अंदर डायरेक्ट जॉइंट कर दी। दिवाली आएगी उससे पहले मैं उसको कुछ ना कुछ सेट कर दूंगा, पर उससे पहले अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैंने ये फ़ोन जो है यहाँ पे ऐसे क्यों लगाया है, ताकि मैं, अबे क्या बंद क्यों हो गया, अबे ये तो स्विच ऑफ ही हो गया, एक मिनट इसको चार्ज होने दो। हाँ अब ये चार्ज हो गया है, इसको स्टार्ट करो, ऑन करा इसको, कैमरा ऐप ये रहा। ये फुल स्क्रीन, अब यहाँ बैठा बैठा मैं पूरा सब कुछ देख सकता हूँ कि भाई हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, और 24 घंटे सर्वेलेंस रख सकता हूँ। ये मैं क्या आंटियों वाले काम कर रहा हूँ कि 24 घंटे अपने मोहल्ले पर नज़र रखूँगा, पर ठीक है मज़ा आ रहा है, यहाँ आराम से बैठा रहूँगा, अपना काम करता रहूँगा, कोई ऑर्डर पार्सल आएगा तो यहीं से देख लूँगा, कुछ हो रहा है मोहल्ले में तो यहीं पर दिख जाएगा, और 20 दिन की रिकॉर्डिंग भी होती रहेगी इसके अंदर, तो कुछ अगर शूट वूट हुआ, कुछ ना कुछ मस्ती हुई तो शूट हो जाएगा। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या, छाया 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 छाया, ओ छाया छाया, अल छाया 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 पागल छाया,
लगता है इसका स्पीकर इतना तेज नहीं है यार। अब 1000 रुपये में कितना ही मिलेगा? सही बात है यार, 1000 रुपये में अब क्या जान ले लेंगे क्या? देख कैमरा लगा दियो मटर, अब तो कहीं भी गाड़ी तो पता चल जाए। आवाज आ रही थी कि मैं बोल रही हूँ तो इमो आ रही थी आवाज। अरे आधे गाइस आवाज आ रही थी, मैंने देखा था आवाज इसका खराब हो गया है, स्पीकर इतना तेज नहीं है। तो जवाब देती नहीं, मैं सुन रही थाने ऊपर। अरे यार तू तो कही है, तू स्मार्ट है। माइक में बोल सकूं मैं? क्या बोली? मुंडा में बोल जा रही है। कैमरा क्या दे रहा है? एरिया का 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 हेलो गाइस। तो गाइस ये है दूसरा दिन, पिछला दिन तो खत्म हो गया अपना। और जैसा कि मैंने बोला था कि आज है शीतला कही आज शीतला पूजन, तो आज के दिन हमारे घर काली माता मंदिर। हाँ तो आज के दिन हमारे घर पे जो है चूल्हा जलता नहीं है, तो खाना वाना जो है वो पिछले दिन ही बन चुका है। तो इसीलिए मेरी मम्मी ने गुलगुले जो पकौड़ी होती है, मीठी पकौड़ी, दही बड़े, दही बड़ा भी है कि दही बड़ा और केरी की सब्जी। केरी की सब्जी तो 2 दिन खराब नहीं होती हमारे यहाँ। और क्या कही है? और फिर और पकौड़ी और पूड़ी, यही है खाने में भाई आज हमारे। और कौन सा गाना है? और तो गाना है चटनी में परफ्यूम लगा हुआ है। ओए तो नहीं रे दादा, क्या नहीं दे रही हूँ गाइस। थैंक यू वेरी मच, इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ क्योंकि मेरे को एडिट भी आज ही करना है और अपलोड भी इसको अभी तक करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आई होप यू एंजॉय इट। मैं मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में किसी और टेक्निकल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए दिस इज अंजलि साइनिंग आउट, बाय बाय। बकेट की छोरी देख बाल जा अपने। हेलो अभी मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बाय 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 बाय। ते कौन से स्कूल में पढ़े हो? अब नाम ले हम तो बदनाम हो जाए। नहीं नहीं बता 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 मैं पढ़ी हूँ बेबी हैप्पी इंग्लिश मीडियम स्कूल। हो ही स्कूल बदनाम।